welcome back to my channel Healing Health. This is your host and host Dr. Bharti Kundu. आज की इस वीडियो में हम कुछ सिंपल योगा पोजेस करेंगे और आप बोल सकते हो या फिर हम एक्सरसाइजेस करेंगे जिनसे कि आप अपनी बेली को टोन कर सकते हो, अपनी कोर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करवा सकते हो, क्योंकि हम काफी टाइम बैठे रहते हैं, हमने हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया है तो जो भी हमारी कोर मसल्स है वो वीक हो जाती है। तो इन सिंपल पोजेस से आप उनकी स्ट्रेंथनिंग करा सकते हो, साथ ही एक्टिव रहेंगे ये करने से। और जो लोग वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हैं या एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करना चाहते हैं वो इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बट उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी करिए, क्योंकि जब भी सब्सक्राइबर काउंट बढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम वीडियोस अच्छी बनाते रहते हैं और आगे और भी बनाते रहते हैं। अब हम करेंगे पोंटून पोस्चर, जिसको हम नौकासना भी बोल देते हैं। इसमें आपको सीधे स्ट्रेट लेट जाना है और अपने लेग्स को एक साथ जोड़ के लिफ्ट करना है एज हाई एज यू कैन डू, और आपको अपनी अपर बॉडी को भी लिफ्ट करना है और आपको कोशिश करनी है कि आप अपने टोज को हैंड से टच करोगे। और जब आप लिफ्ट कर रहे हो तब आपको इनहेल करना है, होल्ड करना है 10 टू 15 सेकेंड्स के लिए और देन बैक टू नॉर्मल पोजीशन एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। इस पोज को भी हम 5 टाइम्स करेंगे और आप होल्ड करोगे 10 टू 15 सेकेंड्स के लिए। ये बहुत इजी है, आप इनके साथ अपना एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, बहुत इजीली आप इनको कर सकते हैं कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के विद मैट। अब हम करेंगे पवनमुक्तासना, जिसको हम विंड ईजिंग पोस्चर कहते हैं। आपको स्ट्रेट अपने बैक पे लेट जाना है और आपको अपने नी बेंट करके चेस्ट की तरफ लाना है और आपको अपने हाथों से उसको प्रेस करना है। थाई से आप अपने एब्डोमिन को प्रेस करोगे। एक बार फिर से हम देखते हैं, अब हम इनको प्रेस करेंगे अपने चेस्ट की तरफ और आपको अपने हेड को ट्रंक को लिफ्ट करना है और ट्राई टू टच योर नीज थ्रू योर चिन। और जब आप लिफ्ट करेंगे उस टाइम आपको इनहेल करना है। इस पोज में हम होल्ड करेंगे 10 टू 15 सेकेंड्स के लिए और हम इसको कर सकते हैं 5 बार। वंस अगेन वील डू द सेम। होल्ड इट फॉर 15 सेकेंड्स एंड डू इट फॉर 5 टाइम्स। अब हम करेंगे धनुरासन, जिसको हम बो पोस्चर भी कहते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि आपको अपने हैंड्स को पीछे लेके जाना है, नी बेंड करने हैं और एंकल के पास से पकड़ के होल्ड करना है। और जब आप खुद को ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे तो आपको स्लोली इनहेल करना है और इतना ऊपर उठना है जितना आप उठ सकते हो इजीली। और जब आप नीचे आएंगे ओरिजिनल पोजीशन में, वहां पर आपको एक्सहेल करना है। एक बार फिर से हम वीडियो में देख रहे हैं, नी बेंड करेंगे, एंकल के पास पकड़ेंगे, लिफ्ट करेंगे विद इनहेल, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, एक्सहेल थ्रू योर माउथ। इसको हम होल्ड करेंगे 10 टू 15 सेकेंड्स के लिए। और इसको भी हम करेंगे 5 टाइम्स। अब हम कर रहे हैं कोबरा पोज, यानी कि भुजंगासन। इसमें आपको अपने पेट के बल उल्टे लेट जाना है और लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर उठना है। और यहाँ हम होल्ड करेंगे 10 टू 15 सेकेंड्स के लिए और नीचे जाते टाइम आपको लंबी गहरी सांस छोड़ देनी है धीरे धीरे। ऐसे ही हम फिर से करेंगे। ऊपर आते टाइम आप इनहेल करोगे, होल्ड करोगे 10 टू 15 सेकेंड्स के लिए और फिर पोजीशन में जो आपकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें जाने के लिए आप
एक्सहेल करोगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। इनहेल स्लोली एंड एक्सहेल स्लोली, ये हम रिपीट करेंगे 5 times। 10 to 15 seconds के लिए आप होल्ड करोगे। इस पोज का नाम है बोर्ड, यानी कि कुंभ का आसना। इसमें हमें हमारे हैंड्स को स्ट्रेट हमारे शोल्डर के नीचे रखना है। नी बेंड करने से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हमें हमारे लेग को पीछे की तरफ रखना है, यानी कि एक्सटेंड करेंगे, पीछे लेके जाएंगे दोनों लेग्स को एंड होल्ड करेंगे 10 to 15 seconds के लिए। जब आप उनको पीछे लेके जा रहे हो तो आपको इनहेल करना है। जैसे कि आप देख रहे हो, हमने हमारे लेग्स को एक्सटेंड किया है। इनहेल करेंगे हम और अब बैक टू नॉर्मल पोजीशन में आएंगे होल्ड करने के बाद। जैसे कि अभी हम आए हैं नॉर्मल पोजीशन में और यहाँ हम एक्सहेल करेंगे। अगेन वील डू द सेम, होल्ड दिस पोज फॉर 10 to 15 seconds। इनहेल स्लोली एंड एक्सहेल स्लोली। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर 5 times। इसमें आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, जैसे कि आप देख सकते हो आपके हेड से लेके आपके टो तक एक्स्ट्रा। अभी तक हमने बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस की थी, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइजेस खत्म होती है और इसको हम खत्म करेंगे चाइल्ड पोज के साथ। ये एक रिलीजिंग एक्सरसाइज है, आप कि बॉडी में काफ़ी रिलैक्सेशन फील होगा। मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, मैं कोई भी एक्सरसाइज करूं या वर्कआउट करूं चाइल्ड पोज में मैं हमेशा रहती हूं 30 to 40 seconds के लिए। जितना आपको अच्छा लगे आप उतनी देर होल्ड करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। साथ ही हम एक वर्कआउट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस तरह का वर्कआउट चाहिए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे फिट, स्टे हेल्थी।